दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम फिलहाल गांव में हैं और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा गांव कैसा है और हमारे गांव की सड़कें कैसी है। गाड़ी से जो है सो आप लोगों को लेकर के जाएंगे, अपने गांव के अंदर इंटर करेंगे और पास में एक गाँव है उसका भी तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे और हमारा गाँव कैसा दिखता है उसकी एक झलक आप लोगों को दिखाएंगे कि हम किस गाँव में रहते हैं और किस एरिया में रहते हैं और कहाँ रहते हैं। उसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के कुशेश्वर स्थान विधानसभा के क्षेत्र में मैंठा मेरा गाँव है और मैं आप लोगों को मैंठा गांव दिखाऊंगा और किस तरह से हमारा गांव का रोड है वो आप लोगों को दिखाएंगे। जी, बाइक से जाने वाले हैं और फिर चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं हमारा गांव कैसा है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, हमारे गांव के पास में एक गांव है उसका तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये गांव का नाम है मुसरनिया। जी हाँ, ये गांव का नाम जो है मुसरनिया है, हमारे गांव के बिल्कुल पास में है, पड़ोसी गांव है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गांव का आबादी जो है ज़्यादा नहीं है, 60-70 या 100 घर भी मुश्किल से होगा यहाँ पर, अगर आप गिनती करेंगे तो 100 घर भी नहीं है। लेकिन ये छोटा सा गाँव है जो हमारे गाँव के बिल्कुल पास में है और गांव की सड़कें भी देख सकते हैं, बिल्कुल कच्ची सड़क है, पक्की नहीं बोल सकते हैं, पक्की होता है लेकिन बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है सो बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने के बाद जो है सो पूरा गांव समझ लीजिए पानी के अंदर से समझ लीजिए डूब जाता है। डूबता नहीं है लेकिन साइड साइड में पूरा पानी लग जाता है, साइड में जो भी खेती देख रहे हैं सब में बाढ़ आ जाता है। पूरा का पूरा जो है ये एरिया जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये बाढ़ का एरिया हो जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को अपना गांव दिखाने वाला हूं। सामने जो गांव देख रहे हैं वो मेरा गांव है, बिहार में दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जो क्षेत्र में पड़ता है हमारा मैंठा जो है हमारा गांव है। सामने जो गांव देख रहे हैं वो मैंठा है जिसमें हम रहते हैं। तो आपको हम अपना गाँव लेकर के जाएंगे और आपको हम अपना पूरा गाँव दिखाएंगे बाइक से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा गाँव कैसा है और गांव की सड़कें भी आपको देखने को मिलेंगी कि हमारे गांव के अंदर किस तरह से रास्ता है। इधर भी देखिए कितना हरियाली, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आपको मैं बता दूं, यहां पर जो है सो पूरा बाढ़ आ जाता है, हमारे गांव में पूरा चारों बगल से बाढ़ आ जाता है और बीच में गांव रहता है, नाव चलती है एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए। मैं आपको इधर पैन करके दिखाऊँ, देख लीजिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूर में एक गाँव है, उसके पास में ये साइड भी गाँव है, एक गुठानी गाँव है और इधर में जो है गाँव है वो बर्रा गाँव है। ये हमारा गांव है सामने जो देख सकते हैं और गांव में हम इंटर कर चुके हैं। तो अभी अपने गांव के अंदर इंटर कर चुके हैं और यहां से स्टार्ट होता है समझ लीजिए हमारा गांव। हालांकि हमारे गांव में आने के लिए जो है 3 रास्ता है, फिलहाल मैं एक रास्ते से अभी इधर से जा रहा हूं और सामने जो देख रहे हैं ये समझ लीजिए हमारा गांव का इंट्रेंस कह सकते हैं। ये पश्चिमी रोड से हम जा रहे हैं और इधर मैं राइट साइड में आप लोगों को दिखाऊं, इधर में जो है एक नया चिमनी बन के तैयार हुआ है हाल फिलहाल में इनका, बहुत ही समझ लीजिए कि ये भी अच्छा रोज़गार है। गांव के लोग भी यहां पर जाकर के काम करते हैं और बाहर के लोग भी यहाँ पर काम करते हैं, ये भी एक अच्छा चीज़ हुआ है, स्टार्ट हुआ है हमारे गाँव के अंदर में, पहले नहीं था लेकिन हाल फिलहाल में ये इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ से अब इंटर करेंगे तो सामने थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं है हमारे गाँव का, जो रोड है सड़कें जो है बहुत काफ़ी छोटा है क्योंकि 4-व्हीलर भी बहुत मुश्किल से समझ लीजिए एक गाड़ी पास हो पाता है, ट्रैक्टर अगर आ गया तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। हमारा छोटा सा गांव है, छोटा सा रास्ता है, यहां पर देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल खड़ा है तो छोटा सा रास्ता बन जाता है सिर्फ जाने आने के लिए और सब लोग अपने मतलब शेड्यूल में बिज़ी रहते हैं, जो अपने गाँव के काम काज होते हैं उसमें लगे रहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक तरह से कह सकते हैं गाँव का जो सेंटर पॉइंट है समझ लीजिए, मैं वहाँ पर आ गया हूँ और हमारा छोटा सा गांव है इसलिए मैं इसको सेंटर पॉइंट बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर एक मंदिर भी है लेफ्ट साइड में और यहां से फिर हम राइट साइड जाएंगे। एक राइट साइड जो है समझ लीजिए राइट साइड से एक रास्ता भी गया है पूर्वी लाइन के लिए और इधर में देख लीजिए, जब भी आते हैं यहां पर हमेशा यार कीचड़ ही रहता है, जब भी आते हैं गाँव यहाँ पर कीचड़ हमको ज़रूर मिलता है, पानी वगैरह जो है सो रहता है, इसलिए रहता है पानी क्योंकि हमारे गाँव में अभी समझ लीजिए नाला अभी तक बना नहीं है, सड़कें जो है उसको मुखिया जी जो है ढलाई करवा दिए हैं लेकिन अभी तक जो है नाला बन के तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इस वजह से जो है सो ये सड़कें जो है इस हालत में है। फिर सामने देख सकते हैं अपने घर पर आ गए हैं बिल्कुल, ये सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है आप लोगों को, ये पेड़ जो दिख रहा है ये हमारा दरवाज़ा है और हमारे घर पर हम आ चुके हैं
और यहाँ पर ही बाइक लगाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि लड़के लोग यहाँ पर किस तरह से खेल रहे हैं। ये बाइक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये अपने घर के ऊपर आ गया हूँ, घर के ऊपर नहीं, घर के पास मैं अपने दरवाज़े पर आ गया हूँ। तो मेरा छोटा भाई वहाँ पर खड़ा है, गाड़ी भी यहाँ पर लगी है और इधर में एक लड़का भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है सो मुस्कुरा रहा है। और यहाँ पर देख आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर किस तरह से बच्चे लोग जो है सो खेल रहे हैं, ये देख लीजिए किस तरह से बच्चे लोग का जो टाइम पास हो रहा है, किस तरह से लोग खेलते हैं वो देख लीजिए यहाँ पर, मतलब सबका टाइम पास बढ़िया हो जाता है गाँव में, यही सब चीज़ है। और फिर आप लोगों को इसके आगे का ब्लॉग हम आप लोगों को बहुत जल्द जो है सो अपलोड करेंगे, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो गांव में किस तरह से लोग बच्चे खेलते हैं, किस तरह से रहते हैं, सारा एक अलग से मैं ब्लॉग बना दूंगा। फिर छत पर जाकर के आप लोगों को पूरा गांव का तस्वीर दिखाऊंगा कि बाहर से हमारा गांव किस तरह से दिखता है, पूरा डिटेल्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।